हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना, हम तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए तो मकान तोड़ना। बिल्कुल जायज़ बात है कि एक दफ़ा कार्रवाई हो रही है, 90% 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है, उसकी कोई हैसियत नहीं, 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है इसको निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली उसमें मुजरिम है, मुसलमान गया था, अब गलती की जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, उसकी वीडियोज़ मौजूद है, अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए, गलतियाँ तो बराबर से हुई हैं इसमें कोई दो नहीं, लेकिन इसी तरीके से जो है वो गिरफ्तारी भी बराबर से होनी चाहिए। और इस मसले को लेकर शहर में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनी है पाई जा रही है, इस कदर की लोग बेचैन है मैं बयान नहीं कर सकता, रोते हुए चले आ रहे हैं, औरतें चली आ रही, मर्द चले आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात कोई टाइम ही नहीं बंद बताइए ने, अभी भी 2 साल लोग आए हुए मेरे पास बेचारे परेशान हो रहे, चलते चलते उठा ली, बेगुनाहों की गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है, अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का ही इंतहा हो रही है, अगर यही अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मारो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे, फिर तुम्हें यही करना है, हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो भाई ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना, अब तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसके मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।